गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग गुड ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। लेट हो गए 5 मिनट। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो बायोलॉजी वाला पोर्शन चालू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री का लगभग लगभग हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। वो 2 चैप्टर बच रहे हैं, देखेंगे बाद में आराम से, क्या पता तब तक स्कूल ओपन हो जाए तब पढ़ेंगे। एक कार्बन वाला चैप्टर है नंबर 4 वाला, और नंबर 5 वाला जो चैप्टर है वो है आवर्त सारणी वाला। हालांकि दोनों चैप्टर इंटरेस्टिंग है, दोनों चैप्टर। तो जो बायोलॉजी का जो चैप्टर मैं चालू करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, और तुम्हारी बुक का सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर और सबसे लेंथी और सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन साथ के साथ सबसे इजी भी है, सबसे इजी चैप्टर भी है। और चैप्टर का क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। अब सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले ही जो चैप्टर का नाम है ना, इसका मतलब समझोगे। आज की क्लास में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई सिलेबस चालू नहीं करूंगा, तुम्हें सिर्फ इस चैप्टर का मतलब समझाऊंगा, तुम्हें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें। फिर एक बार जब सिलेबस चालू हो जाता है फिर तो क्या दिक्कत है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आप इसका मतलब समझो, मीन्स क्या होता है। मीन्स मतलब, मीन्स मतलब मतलब ही होता है। मीन्स यानी अर्थ, किसी चीज का मतलब, किसी चीज का अर्थ। तो हमें यहाँ पर किस चीज का अर्थ लगाना है, हमें लगाना है जैव प्रक्रम। तो आप एक बार इस शब्द को नीचे उतारो, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, देखो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आपको विज्ञान के अंदर जैव शब्द नजर आए तो समझ लेना जैव का मतलब होता है सजीव। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव बोल दो या जीव बोल दो। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। कहने का मतलब ये है कि सजीवों के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है। हम सब सजीव हैं, और सजीव आप किसे कहते हो? सजीव आप उसे कहते हैं जो पाचन करते हैं, जो श्वसन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, जिनके अंदर रक्त चलता है, जिनका हार्ट धड़कता है, जो गति कर सकते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, जो खाते हैं। इट्स ऑल क्लियर सिम्टम्स इन ए लिव्ड इन ए ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे सिम्टम्स किस में मौजूद होते हैं? ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, सब सजीवों के गुण होते हैं। जैसे मार्कर है, ये कौन सा पाचन करेगा, ये क्या खाएगा, ये कौन सा उत्सर्जन करेगा, इसमें कौन सा हार्ट धड़क रहा है। तो ये जो प्रक्रम पढ़ोगे ना, ये जो प्रक्रिया पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे सजीवों के लिए। किसके लिए पढ़ोगे? सजीवों के लिए। अब सजीवों के लिए नाम को समझो, जैव प्रक्रम मतलब सजीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, सजीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। अब सजीवों में कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है? सजीवों में प्रक्रियाएं हो रही है जिसने सजीव के शरीर को चला रखा है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले गिनवा दूं, सबसे पहले बड़ा बोलना नहीं है किसी को, सिर्फ आपको सुनना है। हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं चल रही है जिसके कारण ही हमारी बॉडी आज टिकी हुई है। हम सबसे सबसे डिफरेंट जीव हैं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास खुद का ब्रेन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज ये जो जितने भी काम किए ना यूनिवर्स के अंदर, सब मानव ने किए हैं। मानव से ऊपर या मानव से सर्वश्रेष्ठ कोई सा भी जीव अभी तक उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि सबसे लोअर कैटेगरी के सजीव कौन से होते हैं, पूरी चीज समझाऊंगा। मैंने कहा था कि इसमें मैं सिर्फ मतलब समझाऊंगा चैप्टर का, मैं अभी सिलेबस कोई चालू नहीं कर रहा। देखो यहाँ से मजा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ से एक शब्द आया सजीव, तो दुनिया में तो बहुत सारे सजीव है, दुनिया में तो बहुत सारे सजीव है। अब मैं तुम्हें पूछूं, सजीवों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? या मैं तुमसे ऐसे कहूं कि जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करता है, जिसमें हार्ट चलता है, जो श्वसन करता है, जो देखता है, जो चल सकता है, ये सभी गुण किसके अंदर मौजूद है? ये सभी गुण मौजूद होते हैं सजीवों के अंदर। सभी गुण किस में मौजूद होते हैं? सजीवों में। ये आवाज आवाज म्यूट करो, म्यूट करो आवाज। करो मीना करो। अरे बोर्ड डिस्टर्ब होती क्लास, यहाँ आवाज ज्यादा आती है क्योंकि स्पीकर लगे हैं ना बड़े बड़े, बहुत ज्यादा आवाज गूंजती है। देखो सजीवों में सजीव, अब मैं तुमसे पूछूं कि हमारे अलावा सजीव कौन है,
तो फिर आप बोलोगे सर गाय भैंस बकरी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा और कौन सा जीव है? मैं तुम्हें पूछूं, इस पूरी दुनिया के अंदर कितने सजीवों को जानते हो आप? फिर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। तो सर हमें क्या पता, हम तो ज्यादा से ज्यादा जानवरों को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीड़े मकोड़ों को जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को जानते हैं। सभी सजीव कितने हैं, इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूं। देखो, इस दुनिया में कितने सजीव हैं, उनको डिवाइड किया गया है 5 भागों में। अब कहीं सोच रहे हैं कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं, तो मैं बता दूं, हम इस शब्द का मतलब पढ़ रहे हैं कि जीव परक्रम क्या चीज है। अभी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है चैप्टर के अंदर। जितने भी सजीव है ना इस दुनिया में, जितने भी सजीव है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5। और ये बांटने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था R.H. Whittaker। वैज्ञानिक का नाम था R.H. Whittaker। वो इसका पूरा नाम साइंटिस्ट है बायोलॉजी का, काफी काफी हद तक सोचने वाला विटेकर। सोचो, ऐसा आदमी जिसने पूरी दुनिया के सजीवों को बांट दिया और बांट कर चला गया कि इसके अलावा आपको कोई भी जीव दुनिया में नहीं मिलेगा, R.H. Whittaker। तो ध्यान रखना, जो 5 भागों में बांटा ना, एक सबसे पहला जो सजीवों का ग्रुप है, सबसे पहला जो सजीवों का जगत है, उसे बोलते हैं मोनेरा। उसे क्या बोलेंगे? मोनेरा। नंबर 2 पर आएगा प्रोटिस्टा, नंबर 2 पर प्रोटिस्टा। नंबर 3 पर आएगा कवक, नंबर 4 पर पादप, और नंबर 6 पर आएगा जीव जंतु। जीव जंतु, इनके अलावा कोई सजीव नहीं है दुनिया में। सजीवों को इन 5 कैटेगरी में डाला है। देखो, ये मोनेरा किसी जीव का नाम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का नाम है। मोनेरा ग्रुप का नाम है, प्रोटिस्टा ग्रुप का नाम है, कवक एक पूरा ग्रुप आ गया, पादप पूरा ग्रुप आ गया, और जीव जंतु पूरा ग्रुप आ गया। अब आप सोच रहे हो मोनेरा क्या है, तो ध्यान रखना, मोनेरा में कौन से जीवों को रखा गया है? जितने भी बैक्टीरिया है ना दुनिया के अंदर, जितने भी जीवाणु है, सभी जीवाणुओं को, सभी बैक्टीरिया को एक जगह डाल दिया। कौन से ग्रुप में डाल दिया? मोनेरा। मोनेरा तो इसमें आएगा जीवाणु। बस आप अपनी कंसंट्रेशन हाई रखना, सब चीजें समझ में आएगी। जीवाणु, और अंग्रेजी में जीवाणु को क्या कह देते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है? तो इनका अलग ही ग्रुप बना दिया विटेकर ने, जो R.H. Whittaker था ना साइंटिस्ट, इसने अलग ही ग्रुप बना दिया कि जीवाणुओं को हम मोनेरा में पढ़ेंगे। अब आपको जीवाणु के बारे में स्टडी करनी है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करनी है कि बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे पाचन करता है तो सजीव ही ना, हम सजीवों की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया भी तो सजीव है। इसमें पाचन कैसे होता है, इसमें जनन कैसे होता है, इसके लिए तो हमें मोनेरा ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी किताबें चलती है मोनेरा की, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे बैक्टीरिया के बारे में, 3 बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें, ठीक है? प्रोटिस्टा में किसे डालेंगे हम? प्रोटिस्टा में आएगा एक कोशी की है जीव, एक कोशी के जीव, लेकिन एक कोशी के जीव कौन सा, ये विशेष आप अमीबा का। एक कोशी की है अमीबा, नहीं नहीं इसके अंदर आप जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे एक तो बैक्टीरिया है कोशिका के आधार पर, उसको क्या बोलते हैं, एक कोशी के जीव आएंगे इसके अंदर, लेकिन एक कोशी के जीव, कोशिका को 2 भागों में बांटा गया ना, एक तो पुरानी कोशिका होती है, एक नई कोशिका होती है, उनको क्या बोलेंगे? पुरानी कोशिका और नई कोशिका। प्रोकैरियोटिक। एक कोशी की है यूकैरियोटिक, एक कोशी की है यूकैरियोटिक, और जीवाणु भी एक कोशी के होते हैं, जीवाणु भी एक कोशी के होते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है, ये कैसे रह गए? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ओके। इसके अंदर प्रोटिस्टा का विटेकर ने एक अलग ही ग्रुप बनाया था जिसमें एक कोशी के जीव आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? यूकैरियोटिक। और एक कोशी के यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? पहले तो ये सुन लो, प्रोकैरियोटिक ओनली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अलावा दूसरा जीव आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं जो प्रोकैरियोटिक हो। सबके सब यूकैरियोटिक है, सबके सब क्या होता है? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनकी कोशिका अर्ध विकसित है, केंद्र के ऊपर झिल्ली नहीं है, सभी अंगों का निर्माण नहीं हुआ है कोशिका के अंदर। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसका मतलब होता है कि कोशिका का कंप्लीट विकास हो चुका है, कोशिका के अंदर सभी कोशिका के अंग बन चुके हैं।
तो एक कोशिकीय जीव, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है, और युगलीना, युगलीना सबास, कवक, प्रोटोजोआ। कवक तो अलग ही होते हैं, कवक आप जानते हो कई टाइप के कवक है, मशरूम है, यीस्ट है, पेनिसिलिन है, पार्जिलस है, कई टाइप के इसमें कवक आएंगे। कवक जैसे मशरूम, यीस्ट, जो आचार के ऊपर सफेद रंग की फफूंद, फफूंद का आपने नाम सुना होगा, अनाज की बोरियों के ऊपर एक सफेद रंग की पपड़ी जम जाती है, वो भी जीव है, वो भी जीव है, लेकिन वो किस टाइप के जीव है? कवक। कवक। और नंबर चार पर कौन आ गए? पादप। नंबर चार पर पादप। अब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको भी पांच भागों में बांटा गया है। पेड़ पौधों को भी कितने भागों में? पांच भागों में डिवाइड किया गया है। जो बता देता हूं, जब टोपी की चालू कर दिया तो पांच भाग कौन से? सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। नंबर दो ब्रायोफाइटा। ये सब नाइन्थ क्लास की चीजें है, लेकिन हमने ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नंबर तीन पर है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नंबर चार पर अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। और नंबर पांच पर आवर्त बीजी, बीजी। देखो थैलोफाइटा कौन से पादप होते हैं? थैलोफाइटा नाम से पता लग रहा है, थैलोफाइटा कौन से पादप होते हैं? जिनकी बॉडी एक थैले की तरह है, थैलोफाइटा, जिनका शरीर ही एक थैले की तरह है। इनके पास ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शैवाल। शैवाल सब जानते हो, जो पानी के ऊपर पानी के ऊपर हरे रंग की जो काई जम जाती है ना, काई शैवाल होता है। और शैवाल पेड़ पौधों की कैटेगरी में आता है। शैवाल कौन सी कैटेगरी में है? पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों। और उसको कौन से ग्रुप में डाला गया है? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा का मतलब ये क्या हुआ? धीरे धीरे पेड़ों का विकास होता गया। पहले शैवाल बने, फिर धीरे धीरे पेड़ डेवलप हुए, उनमें जड़ें बनने लग गई, पत्तियां बनने लग गई, फिर पेड़ थोड़ा सा डेवलप हुआ, उनमें बीज बनने लग गए। और आज के टाइम में हम बातें करें कि पेड़ इतना विकसित हो चुका है कि वो बीज के अलावा हमें क्या देता है? फल देता है। बीज के अलावा क्या देने लग गया? फल। तो ब्रायोफाइट्स किसे बोलेंगे? ब्रायोफाइट वे पादप होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती तो नहीं बने, लेकिन उनके जैसी संरचनाएं बन जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पत्ती है, वो पत्ती जैसी है लेकिन पत्ती नहीं होती, ठीक है। तना बन चुका है लेकिन वो तना जैसा होता है, जड़ बन चुकी है लेकिन वो जड़ जैसा होता है। फिर आप सोच रहे हो सर ऐसे पेड़ कौन से होते हैं? ऐसे पेड़ आपको स्कूल में बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने कई प्रकार के पेड़ देखे होंगे जिनमें पता ही नहीं लगता कि पत्ती कौन सी है, जड़ कौन सा है, तना कौन सा है। वो सब ब्रायोफाइटा होते हैं। सब कौन से प्लांट होते हैं? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसा पादप है जिसमें जड़, तना, पत्ती कंप्लीट विकसित हो चुके हैं। आप अलग अलग पता लगा सकते हो आराम से कि ये जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है। तो बताओ धीरे धीरे पादप का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है सर। इंक डाल लेना। देखो धीरे धीरे पादप का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना। पहले तो जड़, तना, पत्ती नहीं थी, अब जड़, तना, पत्ती बनने लग गई उनके जैसे। और टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती का विकास कंप्लीट हो चुका है। हम बिल्कुल अलग अलग इनका डिफरेंट या डिफरेंस कर सकते हैं उनके अंदर कि ये जड़ है, ये तना है और ये क्या है? पत्ती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद में कौन आया? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी मतलब, समझना ध्यान से, अनावर्त बीजी शब्द का मतलब ऐसा है, एक बीजी का मतलब बीज, बीजी का मतलब बीज, बीज। अनावर्त का मतलब होता है जिस बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, ऐसा बीज जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। और बताओ बीज के ऊपर किसका आवरण होता है? फल का। बीज किस में से निकलते हैं? फल में से निकलते हैं। तो फल में से। बीज के ऊपर किसका आवरण? फल में से। फल का। तो जो अनावरत पादप होते हैं ना, इनमें फल नहीं बनते, हालांकि इनमें बीज बनते हैं, लेकिन फल का, फलों का निर्माण नहीं होता। उसके अलावा देखो आवर्त बीजी, ये सबसे कंप्लीट, सबसे ज्यादा डेवलप और सबसे सुदृढ़ संरचना वाले पादप होते हैं जिनके पास
पत्ती भी अलग, जड़ भी अलग, तना भी अलग, तना भी अलग, मतलब कंप्लीट विकसित। जैसे सेब, नाशपति, पपाया, जो भी आप देखते हो ना, सब पादप कौन से हैं? आवर्तबीजी। ऐसा पादप जिसके फल में से बीज निकलता है, सब आवर्तबीजी पौधे हैं। तो बताओ पांच टाइप के प्लांट होते हैं, कितने टाइप के? पांच टाइप के। ये देखो जीव जंतु, लास्ट वाला कौन सा पोर्शन बचा? जीव जंतु। अब जीव जंतुओं को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो कोरडेटा, यानी कि ऐसे मैं बोल सकता हूं कशेरुक और अकशेरुकी। हाँ, कशेरुक और अकशेरुक। कशेरुक का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अकशेरुक का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब मैं तुम्हें मोटी मोटी जानकारी दे दूं, ऐसे तो इन चीजों का एंड नहीं है, पता नहीं इनका कोई नॉलेज ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है चीजें। कशेरुक प्राणी जो होते हैं पांच भागों में बांटा गया है इनको, कितने भागों में बांट दिया? पांच। और हम भी कशेरुक है क्योंकि हमारे अंदर की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें जो पहला जीव बना था वो थी मछलियां, और मछलियों के ग्रुप को बोलते हैं पिसीज। मछलियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पिसीज। पिसीज के बाद में आया एम्फीबिया। आप इसको थोड़ा सा बोर हो रहे हो, लेकिन ये देखो ये काम की चीजें बताना जरूरी है, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में आएगी चीजें, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टेलिया। नंबर चार पर आएगा एवीज, और हम सबसे लास्ट में मैमोलिया। नंबर पांच पर कौन आएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर पांच, मैमोलिया। मैमोलिया, मैमोलिया। देखो पिसीज, और पिसीज में कौन आती है? मछलियां, मछलियां। एम्फीबिया, इसमें कौन आते हैं? पानी में पाई जाने वाली जीव जैसे मेंढक है, ब्यूकोहेटोड है, मेंढक जैसी प्रजातियां। रेप्टेलिया, नाम से पता लग रहा है, जो रेंग कर चलते हैं, सांप, मगरमच्छ, ये सब रेप्टेलिया में आते हैं। एवीज, एवीज में कौन आया? पक्षी। और मैमोलिया, मैमोलिया में हम सब आ गए, मानव। हम सबसे मतलब मानव, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब मैमोलिया में है। फिर आप सोच रहे हो इन सबको मैमोलिया में कैसे डाल दिया सर? तो मैमोलिया में इसलिए डाल दिया क्योंकि मैमोलिया में उन्हीं जानवरों को डाला गया है, सॉरी उन्हीं प्राणियों को डाला गया है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। जिनमें स्तन पाए जाते हैं ना, तो वीटेकर ने समझ लिया जिस जीव में स्तन पाए जाएंगे उनको डालो किसके अंदर? मैमोलिया। यहां तक कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं, जो चमगादड़ होती है ना, चमगादड़ भी मैमोलिया के अंदर आती है। अब आप सोच रहे हो सर चमगादड़ तो उड़ती है, तो चमगादड़ तो एवीज में आना चाहिए, लेकिन चमगादड़ के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसी कारण चमगादड़ को कौन से ग्रुप में डाला गया है? मैमोलिया के अंदर, मैमोलिया। अब ये जो अकशेरुक है ना, अकशेरुक, ये अकशेरुक नौ प्रकार के होते हैं। ये तो कितने प्रकार के थे? पांच। ये कितने प्रकार के हैं? नौ। पूरा नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा तुम्हारे फ्यूज उड़ जाएंगे। नौ प्रकार के अकशेरुक कितने प्रकार के होते हैं? नौ। पहला मैं बता दूं, देखो सबसे पहले इनका ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, नंबर दो पोरीफेरा, नंबर तीन सिलेंट्रेटा, नंबर चार प्लेटियल मेंटीज, नंबर पांच एस्केल मेंटीज, नंबर छह एनेलिडा, नंबर सात आर्थ्रोपोडा, नंबर आठ मोलस्का, नंबर नौ इकाइनोडर्मेटा, और एक और होता है नंबर दस पर हेमिकोडेटा, वो पढ़ाया नहीं जाता लेकिन वो इन दोनों के बीच का होता है। अब जैसे इनमें जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे केचुआ, जानते हो केचुआ? केचुआ अकशेरुक प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अमीबा इसमें आएगा, पैरामीशियम इसमें आएगा, लेकिन उनको अलग इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये एक कोशिकीय थे। ये कैसे थे? एक कोशिकीय। बाकी जितने भी अकशेरुक आएंगे ना, सॉरी जितने भी अकशेरुक आएंगे सब बहुकोशिकीय हैं, अमीबा ही एक कोशिकीय वाला ग्रुप था जिनको अलग निकाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर, बाकी सब बहुकोशिकीय हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टारफिश जो तारा मछली आती है वो किस में आती है? अकशेरुक के अंदर आती है। जोंक ये इसके अंदर आता है। इसके अलावा स्नेल, घोंगा जानते हो? स्नेल, स्नेल, ठीक है, बारिश के दिनों में देखा होगा। yes, आता है अकशेरुक के अंदर।
तो कहने का मतलब ये चीज मैंने इसलिए पढ़ाई है कि आप नोटिस करो कि सजीव कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, पांच। कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं सजीव? पांच। अब आपको दिमाग में आ गया कि ये सब चीजें सजीव हैं। इसके अलावा yes, ध्यान रखना इन सजीवों में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो कौन है बताओ? मनुष्य। मानव। मनुष्य। मनुष्य बिल्कुल मानव है। मानव ने तो इन सब चीजों का पता लगाया। आरएच व्हिटेकर एक मानव ही तो था, मानव ही था जिसने इन सब चीजों का पता लगाया। उसने सोचो कितनी मेहनत की होगी इस चीज के पीछे, कितना दिमाग खर्च किया होगा कि इन सब चीजों को डिवाइड करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, पूरी दुनिया को बांट दिया उसने पांच भागों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जीव जंतु, सब इसका जाल बिछा। हाँ, इसका पूरा नाम क्या है? आर एच रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट एच व्हिटेकर। एच का कोई लेना देना नहीं है, एच का पूरा नाम दिया नहीं उसने। आर का मतलब रॉबर्ट है, रॉबर्ट एच व्हिटेकर। इसके बाद में अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं आया जो जीवों को बांट सके। आर एच व्हिटेकर पहला वैज्ञानिक नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे। कैरोलस लीनियस था, उसने दो भागों में बांटा था, फिर व्हिटेकर ने पांच भागों में बांटा कि जीव दो भागों में नहीं होते, पांच भागों में होते। इसने कंप्लीट किया था इस चीज को। अब देखो ये तो बात है सभी सजीवों की, और इन सबका जो हेड है ना, इन सबका जो प्रिंसिपल है वो हम है, क्योंकि हमने इन चीजों को खोजा है। इंसान से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला दूसरा प्राणी दुनिया में नहीं है। तो इंसान के अंदर, मानव के अंदर जो जैव प्रक्रम चलता है, यानी कि सजीवों के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो जैव प्रक्रम चलता है, जो लाइफ को जीने की प्रक्रिया चलती है, उसे ही क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। देखो अब इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको इतना नॉलेज सजीव कितने टाइप के होते हैं, ये चीजें नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, ये तो एक्स्ट्रा था। देखो जीव प्रक्रिया किसे कहते हैं? सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। सजीवों में होने वाली प्रक्रिया, होने वाली प्रक्रिया। सजीवों के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? सजीव का मतलब हम। आप हमें खुद को लेकर एग्जाम्पल समझो, सजीव का मतलब हम। अब सजीवों के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? देखो सजीवों के अंदर जो प्रक्रिया होगी ना, वो मैं गिनवा दूं तुम्हें। पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ठीक है, या जनन। ये सभी जो प्रक्रियाएं चलती है हमारी बॉडी के अंदर, और इन सभी प्रक्रियाओं ने हमारे शरीर को कंट्रोल कर रखा है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, बना रखा है। बताओ हमारे शरीर में हर सिस्टम अलग होता है। हमारी बॉडी में जो खाने का सिस्टम होता है वो पाचन तंत्र होता है। जो हम सांस लेते हैं वो कौन सा तंत्र हो गया? श्वसन तंत्र है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट धड़क रहा है, ब्लड चल रहा है, वो कौन सा सिस्टम हो गया? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण। हमारी बॉडी में जो कंकाल बना हुआ है, हड्डियों का ढांचा, वो कौन सा तंत्र हो गया? कंकाल तंत्र, ठीक है। बोलो मैं, आवाज को म्यूट रखो सब, बिल्कुल नहीं बोलना आपको, उज्जवल आवाज म्यूट कर। हाँ, और हमारी बॉडी के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने वाला जो तंत्र होता है वो कौन सा होता है? उत्सर्जन तंत्र है। तो सोचो समझो, जब तक ये सारे सिस्टम चलते रहेंगे तब तक हमारी जीवन की प्रक्रिया चलती रहेगी। बस इसी का ही नाम है जैव प्रक्रम, सजीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं। अब हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, हमें इस चैप्टर में इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है कि कैसे इन सभी प्रक्रियाओं ने एक मानव शरीर को नया जीवन दे रखा है या मानव शरीर को चला रखा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सजीवों के शरीर में, मैं यहाँ पर स्पेशल मानव की बात नहीं कर रहा, सभी सजीवों को ऐड किया है। सजीवों के शरीर में, और स्पेशल ध्यान रखना कौन से सजीव, स्पेशल लास्ट वाला था ना, पांच नंबर वाला जीव जंतु वाला, कोर डेटा और नॉन कोर डेटा, उनकी बात हो रही है। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सजीवों के शरीर में होने वाले प्रक्रियाएं, बोलो मत, सजीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं, जैसे अब यहां से कौन कौन सी प्रक्रिया है, जैसे पोषण, पाचन,
श्वसन सजीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जैसे पोषण पाचन श्वसन परिसंचरण एवं ये अभी भी आवाज किसकी म्यूट नहीं बताओ पोषण पाचन श्वसन परिसंचरण एवं उत्सर्जन ये सभी सजीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है पोषण पाचन श्वसन परिसंचरण अभी आपको नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है पोषण जब इसको पढ़ोगे तो पता लगेगा पूरी डिटेल देनी पड़ेगी पाचन कम से कम 4 दिन लगेंगे मुझे पढ़ाने में ओनली पाचन पाचन को कम से कम 2 दिन लगेंगे ओनली श्वसन को और परिसंचरण तो और भी बड़ा है इसको कम से कम 4-5 दिन उत्सर्जन 2 दिन का तो कम से कम 15 या 20 दिन का मैटर है ये चैप्टर छोटा मोटा चैप्टर नहीं है तो सजीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जैसे पोषण पाचन श्वसन परिसंचरण एवं उत्सर्जन इन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप इन सभी प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित ग्रुप इन सभी को मिलाकर जो सिस्टम बना है उसे ही बोलते हैं जीव परकरम सजीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं इनको ब्रैकेट में बंद करो प्रक्रियाओं का सम्मिलित मिश्रण प्रक्रियाओं का सम्मिलित मिश्रण जीव परकरम कहलाता है जीव परकरम कहलाता है समझ में आ रहा ना जीव परकरम का मतलब सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं इन सभी प्रक्रियाओं को पढ़ लो आप इसे ही जीव परकरम कहते हैं यही किसी सजीव की शरीर में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और इन्हीं सभी प्रक्रियाओं ने एक शरीर को तैयार कर रखा है शरीर को मेंटेन कर रखा है उसी शरीर की बदौलत हम अपने जीवन का यापन करते हैं आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं ठीक है और रेगुलर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है अब ध्यान रखना हम सबसे हाई क्वालिटी के सजीव हैं ऐसा कहते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि देखो सबसे लोअर क्वालिटी का जो सजीव होता है ना सबसे लोअर क्वालिटी का मतलब होता है जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता वो होता है पादप मतलब पादप में कई का दिमाग किसी का भी पेड़ हो किसी के भी घर में पेड़ लगाओ आप आराम से उखाड़ के ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो ना यस सर ला सकते पड़ोसियों के घर से पेड़ उखाड़ लाओ पड़ोसियों के घर पे अमरूद लग रहे हैं आप तोड़ाओ तो पेड़ आपको मना करेगा नहीं नहीं रे मत तोड़ मैं तो इनका हूं ऐसे पेड़ मना नहीं कर सकता क्योंकि पादप सबसे लोअर कैटेगरी का क्या है सजीव है उसके अंदर ब्रेन नहीं है तंत्रिका तंत्र नहीं होता पादप के अंदर और अगर पादप में दिमाग होता तो आप हाथ लगा के दिखाओ तोड़ के दिखाओ देखे दूसरे को ठीक है तो सबसे लोअर कैटेगरी अब प्लांट से थोड़ा सा ऊपर आओगे ना प्लांट के बाद किसका नंबर आता है प्लांट से थोड़ा सा हाई ज्यादा हाई नहीं थोड़ा सा वो कीड़े मकोड़े अब कीड़े मकोड़ों में कौन सा दिमाग होता है वो तो किधर भी घुस जाए जिधर मीठा दिखा उधर लगे पीछे पीछे फिर थोड़ा सा